दोस्तों ये बात तो आपने जानती होगी, हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी नामचीन ड्रामा क्वींस हैं जिनके तमाशों को देखकर पूरा विश्व ये बात कहता है, कहां से आती हैं ये महिलाएं, कहां से लाती हैं ये लोग इतना टैलेंट कि भैया जिनको देखकर हम अपने माथे को हगवाते हुए ये बात कहते हैं कि भैया इनकी खुजली कभी नहीं मिटने वाली है, चाहे आप इनको कितना भी खुजला लो। तो भाई इन सभी ड्रामा क्वींस में अगर किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वो है बॉलीवुड की महान जानदार शानदार लाजवाब, नहीं ये सब उनको पदवी नहीं दे रहा हूं, मतलब कि कुछ खुद को ऐसा समझने वाली ड्रामा क्वीन यानी कि राखी सावंत, जिनकी हरकतों को देखकर पूरा विश्व हमेशा हतप्रभ रहता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भैया ड्रामा क्वीन राखी सावंत को कड़ा मुकाबला देने के लिए एक और बड़ी वाली ड्रामा क्वीन जो कि भैया एक्सपोज क्वीन के नाम से जानी जाती है, जो कि भाई अपना सब कुछ जनता के नाम निछावर करना चाहती, वो कुछ भी छुपा कर नहीं रखना चाहती हैं, जिनका नाम है पूनम पांडे, जिनकी आत्मा को कल तक शांति दे रहा था पूरा विश्व, आज अचानक से वो प्रकट हो गई है मेरे भाई सबके सामने। अब भाई जो लोग कल उनको उनकी आत्मा की शांति दे रहे थे, आज वो खुद की आत्मा के लिए भगवान से ये प्रार्थना कर रहे होंगे कि भाई हमारी आत्मा को शांति देना प्रभु, जो कि कल हम लोगों ने ये खबर अपने ट्विटर इंस्टाग्राम और ना जाने कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोनों हक को बताया कि बहुत अच्छी लड़की थी बाबू, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ही नेक विचार की थी, कुछ भी नहीं छुपाती थी, सब कुछ खोल कर दिखाती थी, सॉरी गलती से बोल गया। तो भाई उस ड्रामा क्वीन को लेकर कल ये खबर हम लोगों के सामने आई थी ना कि भाई पूनम पांडे जो है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से अचानक ही दुनिया को 32 साल की उम्र में अलविदा कहकर चली गई, और ये खबर जब हर एक मीडिया हाउस को मिली तो भैया हर एक मीडिया हाउस मोटे मोटे आंसू बहाते हुए अपने व्यू को बढ़ाने के लिए न्यूज बताने लगी कि 32 साल की उम्र में बताओ इतने कम साल की लड़की मर गई है। जिंदा है भाई, मुझे ये बात जानता था ये बात मुझे पता था कि ये मरी नहीं है, एक दिन का वेट करो दूसरे दिन ये खबर हम लोगों के सामने आ जाएगी कि जिंदा है ये। भाई खुद ये ड्रामा क्वीन ने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो जारी करके ये बात सबको बताई कि मरी नहीं हूं मैं, सबको जागरूक कर रही थी, बता रही थी कि देखिए सर्वाइकल कैंसर से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, लोगों में यह जागरूकता पैदा करने के लिए हमने ये ड्रामा किया था। मोहतरमा मैडम महोदया ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा, इसके बाद अगर आपकी ये खबर सच्ची भी हो जाएगी ना तो दुनिया आंसू नहीं बहाएगी आप लोगों के नाम के लिए। तो भाई अब उन लोगों का क्या होगा, कल जो लोग पूनम पांडे की वीडियोस को फोटोज को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए ये बात बता रहे थे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, बहुत ही अच्छी थी, ये लोग कैसे जवाब देंगे यार, है सबका गुगली बना दिया यार इस लड़की ने। चलिए कोई बात नहीं, जीवित है, हम तो यही बात कहेंगे इनके लिए कि स्वस्थ रहे, जीवित रहे और इस तरह के पोस्ट जनता के बीच में ना डाले, अवेयर करना है तो भाई नॉर्मल पोस्ट डालिए ना। अब भाई खुद के लिए सुर्खियां बटोरने के लिए आपने बोला कि भैया मुझे कोई याद नहीं कर रहा, मेरे बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो चलो अपनी मरने की झूठी खबर मैं ही फैला देती हूँ। वैसे तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे बड़े बड़े कलाकारों की मौत की खबरें जो है वो झूठी फैलाई गई है कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा, लेकिन भाई इनकी देखिए हालत ऐसी है कि इनको लेकर कोई ये खबर भी नहीं फैला रहा है कि वो मर चुकी हैं, उन्होंने खुद से अपने लिए झूठी खबर फैलाई जिसका फायदा उन लोगों को कल तक तो मिला, अब भैया इनकी खिंचाई आज से शुरू होने वाली है। क्या कहेंगे आप लोग इनकी मौत को लेकर। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मारने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।